कोई बोलता है ब्लूस्टैक्स 5 बेटर है, कोई बोलता है ब्लूस्टैक्स 4 बेटर है, लेकिन भाई सब लोग का वर्जन अलग अलग रहते हैं, सबके पीसी अलग अलग रहते हैं, किसी का 64 बिट वाला रहता है, किसी का 34 बिट वाला रहता है। सेम उसी प्रकार चाहे ब्लूस्टैक्स 4 हो या फिर ब्लूस्टैक्स 5, उसके अंदर भी हमको चार चार वर्जन देखने को मिलता है, जैसे 32 बिट वाइट, 64 बिट वाइट और एंड्रॉइड 11 और पाई 64। आप चाहे MSI में खेलो या फिर ब्लूस्टैक्स में खेलो, आपको दोनों के ही मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपका लेग बहुत ज्यादा फिक्स हो जाएगा। मतलब लेग नहीं, जो मैं आपको ब्लूस्टैक्स का वर्जन दूंगा वो लेग फिक्स वाला ही आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार हमारा पीसी 64 बिट वाला है तो उसमें क्या चलेगा, हमारा 32 बिट वाला नहीं चलेगा। भाई ये मिथ है, जिसका पीसी 64 बिट वाला है उसके इसमें 32 बिट वाले एप्स आराम से ही चल जाएंगे। जिनका महंगा वाला पीसी है उनके इसमें तो एंड्रॉइड 11 और पाई 64 में भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे मेरे जैसे 8GB रैम वाले प्लेयर है तो उनके इसमें 64 बिट और एंड्रॉइड 11 वाला तो भाई चलता ही नहीं है, पाई 64 बिट और एंड्रॉइड 11 वाला दोनों। ठीक है, नॉर्मल 64 और 32 बिट वाले अच्छा चल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल 64 बिट वाले में भी मक्खन नहीं चलता। चाहे ब्लूस्टैक्स 5 में खेलो या 4 में खेलो, देखो मैं तो रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमेशा ब्लूस्टैक्स 5 में ही खेलो, लेकिन 64 बिट और 32 बिट में एक फर्क है, जिसमें मुझे 32 बिट वाला ज्यादा अच्छा लगा। किसी किसी के मैं ये बताता है जब हम MSI प्लेयर में या फिर ब्लूस्टैक्स में करते हैं तो 32 वर्जन इज नॉट कम्प्लीकेट विद यूर विंडोज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसका भी मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप पीसी में न्यू प्लेयर हो तो मैंने बिगनर टू एडवांस वाली पूरी सीरीज डाल रखी है, और अगर आप थोड़े से अच्छे प्लेयर हो जो बहुत टाइम से पीसी में खेल रहे हो तो उनके लिए मैंने एक इंटरमीडिएट टू प्रो सीरीज भी स्टार्ट करी, जिसमें हम इंटरमीडिएट से लेकर तो प्रो लेवल के ब्लूस्टैक्स या MSI या फिर फ्री फायर के पीसी वर्जन के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताएंगे। इसलिए दोनों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको ब्लूस्टैक्स का डाउनलोड करना है तो भाई ब्लूस्टैक्स का 32 बिट आपको क्रोम पे से ही डाउनलोड होगा। ठीक है, आप वहां से अंदर से डाउनलोड करने की सोचते हो तो बहुत इसके इसमें कंप्लीमेंट्री ऐसा बताता है, कंप्लीमेंट्री डिवाइस नहीं है आपका, तो आपको इसलिए क्रोम पे लिख देना ब्लूस्टैक्स 5 32 बिट। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहां से डाउनलोड नहीं करना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखो यहां पर मिलेगा ब्लूस्टैक्स 5 वाला लोगो, और इसके आगे देखने को मिलेगा ओफोर विंडो ऑप्टिमाइज, आपका जो सा भी विंडो सब में चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीचे ब्लूस्टैक्स 4 का देखने को मिलेगा, इसलिए आपको जो ब्लूस्टैक्स 5 है इसके आगे नोट 32 बिट ऐसा लिखा आएगा, तो नोट 32 बिट वाले को आपको डाउनलोड पर कर देना। आप इस पर एक बार जैसे डाउनलोड करोगे तो आपका इंस्टॉलर डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा ब्लूस्टैक्स 4 डाउनलोड मत कर लेना, अगर आप पहले से ब्लूस्टैक्स 4 में खेलते हो और आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। MSI कर रहे हो तो MSI 32 बिट आपको कुछ इस प्रकार का लिख के उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि MSI और ब्लूस्टैक्स दोनों एक ही है। फिर इसके बाद आपका इंस्टॉलर हो जाएगा, इंस्टॉलर होने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका कुछ अराउंड 1GB के आसपास आपकी इंटरनेट MB खा सकता है। ये डाउनलोड तो हो जाएगा, इसके बाद में आपको इसमें तीन चीज देखने को मिलेगी, एक तो ब्लूस्टैक्स 5, एक ब्लूस्टैक्स मल्टी इंटेंशन और एक मिलेगा ब्लूस्टैक्स सर्विसेज। ठीक है, तो आपको ब्लूस्टैक्स सर्विसेज पर राइट क्लिक करना और इसको अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है, इसके अलावा जो आपके MSI देखने को मिलता है तो MSI में भी कुछ इस प्रकार के दोनों मिलता है, सिर्फ आपको ऐप प्लेयर जो रहता है जो 2GB तक के आसपास की फाइल बनेगी उसको छोड़ के आपको ब्लूस्टैक्स X और ब्लूस्टैक्स सर्विसेज को दोनों को ही अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आप MSI में खेलते हो तो MSI का भी ऐसा सर्विसेज बन गया आएगा, तो आपको उसको भी अनइंस्टॉल कर देना है। मैं आपको लास्ट में इसकी FPS बूस्ट बताऊंगा, जिससे आपके 240 तक जाता है उसको 440 तक आपके FPS जाने लग जाएंगे। मतलब जो ब्लूस्टैक्स के FPS 240 तक लोग होते हैं हम उसको 440 तक हम अनलॉक कर देंगे। इसलिए भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो यार, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, अब इन दोनों ऐप को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, सिर्फ आपको ब्लूस्टैक्स ऐप प्लेयर या फिर MSI ऐप प्लेयर को ही रखना है जिसकी साइज 2GB के लगभग। उसके बाद आपको आ जाना है आपके माई कंप्यूटर वाले सेक्शन में। ठीक है, माई कंप्यूटर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर देखो एक हिडन फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, व्यू वाले पे जाना है आपको, यहाँ पे हिडन वाला देखने को मिलेगा कि हिडन फाइल को शो करना है कि नहीं है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। ठीक है, आप उसको हिडन फाइल को एग्री कर दोगे, उसके बाद आपको लोकल डिस्क सी में जाना है, यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम डाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोग्राम फाइल नहीं प्रोग्राम डाटा देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। फिर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपका ब्लूस्टैक्स है तो ब्लूस्टैक्स देखने को मिल जाएगा, MSI है तो MSI देखने को मिल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको देखो सबसे नीचे एक देखने को मिलेगा ब्लूस्टैक्स करके एक कॉन्फ़िग फाइल, तो उस कॉन्फ़िग फाइल को आपको ओपन विद नोटपैड कर लेना है। ठीक है, याद रखो ओपन विद नोटपैड ही करना है आपको, किसी और से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ओपन विद नोटपैड करना है। ठीक है, ऑलरेडी नोटपैड से ओपन नहीं आएगी इसलिए आपको उसको नोटपैड में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसमें एडिट वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको फाइंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर फाइंड वाले पर एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी FPS लिख रखा था क्योंकि मैंने पहले से ही चेंज कर रखा था, तो आपको फाइंड वाले पर क्लिक करके आपको FPS लिख लेना है, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ FPS जैसा देखने को मिलेगा, तो आपको इन पर कोई भी क्लिक नहीं करना है, नॉर्मल FPS पर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। आपको जब तक FPS पर क्लिक नहीं करते जाना है जब तक आपको यहाँ पर 440 लिखा हुआ है, तब तक आपको यहाँ पर 220 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मेरा 440 लिखा हुआ, आपको शायद 240 या 220 लिखा हुआ आएगा, 220 लिखा हुआ आएगा, तो आपको यहाँ पर 440 की जगह, मतलब मैंने 440 का रखा है, तो आपको यहाँ पे 220 दिखाएगा, 220 की जगह आपको यहाँ पर 440 लिख देना, याद रखो कुछ इसी प्रकार का लिखा आना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आएगा मिनिमम FPS, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर 60 FPS देखने को मिलेगा,
यहाँ पर भी आपको 440 FPS कर देना सिर्फ है। इन दो जगह के ही FPS को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी के जगह पर आप FPS को छेड़छाड़ी ना करें प्लीज़। और इसके जगह मैंने जो दो जगह बताई आपको उन्हीं जगह पर आपको एक जगह पर 60 FPS देखने को मिलेगा और एक जगह पर आपको 220 FPS मिलेगा, तो आपको दोनों ही जगह 440 FPS कर देना है। उसके बाद आपको इसको फाइल पर जाकर सेव कर देना है, ठीक है। बस इसका तो इतना सा ही काम था, इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको ब्लूस्टैक्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पर लेग फ्री वाली सेटिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको हाई FPS को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा 240 पर सेट कर लेना है। याद रखो यहाँ पे 240 ही दिखाएगा, लेकिन हमने इन बोल्ड उसको 440 तक कर दिया है, ठीक है। मिनिमम भी 440 है और मैक्सिमम भी 440 है। अब मान लीजिए आपका पीसी नॉर्मल ही 100 FPS देता है, पीसी देता है तो 20 FPS और बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपका 50 FPS देता है तो 10 FPS और आपका बढ़ा देगा, कुछ इस प्रकार का इसमें थोड़ा सा आपको FPS बढ़ाने में मदद करेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भाई साहब इसकी डिस्प्ले कंपेबिलिटी 960, यानी कि सब छोटा छोटा कर देना आपको। ये नॉर्मल सेटिंग तो आप लोगों को पता होगी, मोबाइल में आपको ये रख लेना जाके, बाकी जो एड वेड का जो रहता है ना इसमें प्रेफरेंस में जाके, तो आपको इन सबको ना चेंज कर देना, ठीक है। एड वाली जितनी भी चेंज सेटिंग होती है इन सबको बंद रखना, क्योंकि ये एड आएंगे ना तो आपको और ज्यादा लेग होगा, इसलिए इन सब चीज को मैंने ऑफ कर रखा है। आप भी इन चीजों को सबको ऑफ कर देना। और बस इतना करने के बाद आप लोगों को आपका रिजल्ट आपके सामने रह जाएगा। मैंने जो बताया नोट 32 बिट वाला, वही आपको डाउनलोड करना है, वहां से ही करना है जहां से मैंने आपको बताया ऑफिशियल साइट से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।